हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस फ्रेंड्स, 10th का रिजल्ट आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे अंक पाकर उत्तीर्ण हुए होंगे। तो मैथ्स मैटर क्लासेस और यूनिक कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। आज की इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास के चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी के बारे में सीखेंगे कि सेट थ्योरी क्या होता है और कुछ कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेट थ्योरी से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 को हल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हल होगा, और उसके साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि क्या कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। यदि आप एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक को प्रेफर करना चाहते हैं तो आप बेशक कीजिए, लेकिन एक एनसीईआरटी को आपको प्रेफर करना जरूरी हो जाता है यदि आप बोर्ड की बात करें तो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 90+% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से रहता है और वो भी डायरेक्ट रहता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। हमारा चैप्टर है सेट थ्योरी, तो आइए सेट को पढ़ते हैं। तो हमारा सेट का हिंदी हो जाएगा समुच्चय। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कि वैसे वस्तुओं का संग्रह जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं या किसी को बता सकते हैं, तो वैसे वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ लिया हुआ है। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट। मतलब कि ए बी सी डी के वॉवेल के संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि वॉवेल्स का नाम बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं, या कोई भी बता सकता है जिसको इंग्लिश अल्फाबेट का नॉलेज है कि ए ई आई ओ यू क्या होता है, वॉवेल्स होता है। तो जिसके बारे में, जिन वस्तुओं के बारे में या लेटर्स के बारे में या चीज कह लीजिए के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं, तो उसके संग्रह को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वॉवेल्स का संग्रह बताइए तो क्या आप बता सकते हैं, तो बता सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मतलब वॉवेल्स का संग्रह, वॉवेल्स का संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ सेट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सभी नेचुरल नंबर को लिखिए, सभी प्राकृतिक संख्या को लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ना। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो जिसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हमें प्राप्त हो उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, सेट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड फिल्म्स इज नॉट अ सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल गुड फिल्म्स के बारे में आप सोचिए कि यदि आपसे कोई पूछता है कि कलेक्शन ऑफ मतलब गुड फिल्म्स बताइए, तो आप हो सकता है कि कुछ और बताएं, आपका फ्रेंड के नज़र में गुड फिल्म्स कुछ और होगा। तो इस तरीके से गुड फिल्म्स का कोई परिभाषा नहीं है, हो सकता है कि वही फिल्म किसी को पसंद आता है और किसी को ना भी आता है, तो ये इसका कोई पैरामीटर नहीं है गुड फिल्म्स का, इसीलिए इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि 5 गुड फिल्म्स का बताइए, तो हो सकता है आप 5 बॉलीवुड का नाम बता दें फिल्म का, किसी और से पूछे तो कुछ और बताएं, तो ये डेफिनेट नहीं हुआ, इसीलिए ऑल गुड फिल्म्स का सेट नहीं हुआ। मतलब गुड फिल्म्स के बारे में हम डिटेल जानकारी नहीं दे सकते हैं। फिर हमारा जो चौथा एग्जांपल है कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेटर्स इज नॉट अ सेट। तो यहां भी गुड क्रिकेटर हम किसको कहेंगे, क्या आप जानते हैं, हो सकता है आपका, आप नाम लें विराट कोहली, MS धोनी, एबी डिविलियर्स, हो सकता है आपका दोस्त एबी डिविलियर्स के जगह हार्दिक पांड्या का नाम लेता है, तो ये भी निश्चित नहीं है कि गुड क्रिकेटर कौन है। तो यहां भी गुड क्रिकेटर के कलेक्शन को, संग्रह को हम सेट नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोचेंगे कि किसी कौन से वस्तुओं के संग्रह के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी दे सकते हैं, किसके बारे में नहीं दे सकते हैं। जिसके बारे में दे सकते हैं वो हमारा सेट हो जाएगा, जिसके बारे में हम नहीं दे सकते हैं वो हमारा सेट नहीं होगा। आइए सेट से संबंधित एक नोट को देखते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा क्या कि सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम सेट को सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर्स, एंड इट्स एलिमेंट्स
मतलब इसके सदस्य, सेट के सदस्य, हम आपको बताते हैं कि सदस्य कैसे लिखाता है और सेट क्या होता है। एंड इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर डिनोटेड डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। किसी सेट में उसके अवयव को हम लोग छोटकी एबीसीडी और सेट को बड़की एबीसीडी द्वारा सूचित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इज कॉल्ड सेट, तो हम वोवेल के कलेक्शन को ले लेते हैं। तो वोवेल क्या क्या होता है, ए होता है, ए ई आई ओ यू होता है, और इसको हम एक मंझली ब्रैकेट में लिख लेंगे, करली ब्रैकेट में। तो आप देखिए, और तो एक प्रकार का ये सेट हो गया, और सेट का हम नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं हम इसको नाम रख दिए ए। तो ये मिलके मतलब ए ई आई ओ यू, ये सारा का सारा क्या है, अवयव है। ए एक अवयव, ई दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, पांचवा अवयव, तो ये सारा अवयव मिलकर एक क्या बनाया, सेट बनाया, जिसका हमने नाम क्या रख दिया, ए रख दिया। तो ये सेट है, और ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या, अवयव, अवयव, या कह लीजिए आप सदस्य कह लीजिए, सदस्य। सेट का मतलब आप समुच्चय जानते हैं। तो ये एक प्रकार का समुच्चय है, और इसके ये सब क्या है, अवयव है, ये सब अवयव है। तो यही होता है समुच्चय। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट है उसको हमने छोटकी एबीसीडी द्वारा सूचित किया हुआ है, और जो सेट है उसको हमने कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया हुआ है। और एग्जांपल के तौर पे हमने बताया था आपको कि नेचुरल नंबर का भी सेट, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन द्वारा जनरली ऐसे सूचित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि वो सेट क्या है, एन है, और एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे, टू थ्री, और पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, तो डॉट डॉट कर देते हैं। तो यहाँ वन टू थ्री ये सब क्या हो गया, अवयव हो गया, और ये हो गया सेट हो गया। इसको हमने कैपिटल लेटर से सूचित किया है, यहाँ स्मॉल लेटर लिखने का जरूरत नहीं था, तो यहाँ पे वन टू थ्री लिखा हुआ है। तो इसी ऐसे ही हम लोग दिखाते हैं सेट को कि कैसे लिखा जाता है। अब एक हमारा सिंबल है, ये इस सिंबल के बारे में जानते हैं। तो इफ, अब हम मान लेते हैं कि एक एक्स हमारा अवयव है किसी समुच्चय ए का। तो देखते हैं क्या होता है कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, मतलब कोई समुच्चय A का एक सदस्य है x, तो then we write, या we can write x belongs to A। x सदस्य है किसका, A का। इसका मतलब होता है क्या, सदस्य है। रीड एज, मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, रीड एज एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हिंदी में एक्स ए का सदस्य है, एक्स ए का सदस्य है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस तरीके का ले सकते हैं कि एक ए सेट है और इसमें है एक्स वाई जेड। तो आप देख पा रहे हैं कि ए सेट है और एक्स ए का क्या है, अवयव है, मतलब x इस सेट में क्या है, मौजूद है, मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं क्या, x belongs to A, x belongs to A, हिंदी में x A का सदस्य है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके आगे एक और चीज कि if x is not, x is not a, not an element of सेट ए, सेट ए, देन वी राइट, देन वी कैन राइट एक्स, ये लिख के क्या करेंगे, काट देंगे, और यहां पे ए पढ़ेंगे कैसे, रीड एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब एक्स ए का सदस्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि x a का सदस्य नहीं है, कटा हुआ है ना, तो उसका मतलब हो गया क्या कि x a का सदस्य नहीं है। हिंदी में लिखेंगे तो x a का सदस्य नहीं है। तो इसका, इस सिंबल का मतलब यही हुआ, मतलब अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो है, ये अगर लिख के काटा हुआ रहेगा तो नहीं है।
इधर में एलिमेंट लिखते हैं, इधर में क्या लिखते हैं सेट लिखते हैं। इधर में क्या रहता है एलिमेंट रहता है और इधर में क्या रहता है सेट रहता है। अवयव समुच्चय, इसको आप नोट डाउन करते जाएं ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो साथ साथ में। अगर हम इसके एग्जांपल का बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, लेट ए एक सेट है, तो 0, -1/2, 1 है, 3 है, 4 है। तो हमने एक सेट लिया हुआ है जिसके सदस्य 0, -1/2, 1, 3 और 4 और इस सिंबल का हम लोग यहाँ से यूज आपको बताते हैं। तो अगर आपसे पहले आपको चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो अगर हम कहेंगे कि 2 belongs to A हो गया, दूसरा 3 belongs to A हो गया, 0 belongs to A हो गया, -1/2 belongs to A हो गया, 5 belongs to A हो गया। तो आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप देखिए तो कि 2A का सदस्य है क्या, मतलब ये 2 इसमें है क्या, तो 2 नहीं है, नहीं है तो ये क्या हो गया गलत हो गया। सही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 2A का सदस्य नहीं है, कटा हुआ है। 3 के देखिए कि 3A का सदस्य है, तो देखिए तो इसमें 3 कहीं है ना, तो ये आपका क्या हो गया सही है। 0 belongs to A, तो 0 इसमें है ना, देखिए तो ये भी क्या है सही है। -1/2 belongs to A, -1/2 इसमें है, देखिए है, तो ये भी सही हो गया। 5 belongs to A, तो 5 इसमें कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया। सही बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, मतलब 5 does not belong to A। तो ये हमारा इस टॉपिक का, इस सिंबल का एग्जांपल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिंबल का क्या यूज है और आगे भी इसी प्रकार का यूज होता रहेगा। आइए अब कुछ ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर ये सिंबल आपको कहीं दिखता है तो इसका मीनिंग क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो अगर कहीं आपको कैपिटल N दिखता है सेट थ्योरी में या किसी और चैप्टर में भी, तो आपको समझना है कि ये क्या है, प्रकृत संख्या है। ये पूरे जितना भी प्रकृत संख्या है उसको सूचित करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ये, मतलब प्रकृत संख्याओं के समूह, प्रकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर इंग्लिश में कहें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड द्वारा, आई कहिए या फिर जेड कहिए, तो ये क्या होता है, पूर्णांकों का समूह, पूर्णांकों का समूह, का समूह मतलब, अच्छा नेचुरल नंबर का अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इन्फिनाइट तक। पूर्णांकों का समूह मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर इसके बारे में बात करें कि इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स होता है आपका क्या क्या, 0 से शुरू कीजिए, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से अनंत तक, नेगेटिव में भी -1, -2 इस तरीके से अनंत तक। तो ये सब क्या है, इंटीजर है, पूर्ण अंक, बटा में वाला नहीं, पूर्ण अंक। क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का समूह को क्यू द्वारा सूचित करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा क्यू बार से हम लोग अपरिमेय संख्या को सूचित करते हैं, क्यू बार से क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को क्यू बार द्वारा सूचित करते हैं, परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू द्वारा। जेड प्लस का मतलब क्या हुआ, जेड प्लस कहिए या फिर आई प्लस कहिए, तो प्लस का मतलब पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या कहिए धन, धन मतलब धनात्मक, धन पूर्णांकों का, पूर्णांकों का समूह, धन पूर्णांकों का समूह, या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस का मतलब यह भी हो गया, धन परिमेय संख्याओं का समूह, या धनात्मक परिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय संख्याओं का समूह, सेट ऑफ पॉजिटिव
रेशनल नंबर्स। आर प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समूह को आर प्लस द्वारा सूचित करते हैं। वैसे ही आर माइनस द्वारा ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समूह को, क्यू माइनस द्वारा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के समूह को। तो इस तरीके से आप आसानी से इस सिंबल्स को समझ सकते हैं। इस सिंबल्स का यूज इस चैप्टर में अच्छा खासा हुआ है, तो आप इसको भी जान लीजिए ताकि जब आए तो उस समय आप इसके बारे में जान रहे होंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या कि सेट, किसी भी सेट को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो दो रूप होता है, हमने लिखा हुआ टॉपिक यहाँ पे कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो दो रूप होता है किसी भी सेट को लिखने का, सूचित करने का। पहला रूप होता है कि रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, हिंदी में रोस्टर रूप कह लीजिए। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रूल मेथड भी कहते हैं या हिंदी में समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं। तो आप साथ साथ दोनों को एक साथ समझिए और दोनों में अंतर भी पहचानिए। अगर इसके डेफिनेशन का बात करें तो रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन होता है क्या कि वी लिस्ट, मतलब इन रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब मंझली कोष्ठ, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। मतलब कि किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको कॉमा द्वारा अलग करते हैं, एंड सेपरेट्स ईच एलिमेंट्स बाय अ कॉमा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको कहा था कि अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो अगर हम वॉवेल्स को लिखना चाहते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो जो हमारा समुच्चय है उसका नाम क्या है, इस समुच्चय का नाम क्या है, ए है। आप अपने तरीके से कुछ भी मांग सकते हैं, भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि वो समुच्चय का नाम ए है और ए बराबर एक कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो वॉवेल्स को लिख दीजिए। तो वॉवेल्स क्या क्या हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ए, ई, आई, ओ, यू को हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और सभी अवयवों को कॉमा से अलग करना है, मतलब बीच में क्या डालना है, कॉमा डालना है। और यही जो रूप हुआ वो कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया, इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म हो गया। मतलब कि इसमें आपको अवयव डायरेक्टली दिखेगा, इसमें आपको अवयव डायरेक्टली दिखेगा, लेकिन ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है इसमें आपको अवयव डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इन दिस फॉर्म प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एलिमेंट्स आर गिवन। मतलब कि इसमें आपको डायरेक्ट अवयव नहीं दिया हुआ रहेगा, अवयव से संबंधित कुछ हिंट दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ ना कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, यहां भी इसमें भी यही हम एग्जांपल लेते हैं और इसको हम सेट बिल्डर के फॉर्म में आपको लिख के दिखाते हैं। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो सेट, अगर हम सेट बिल्डर का फॉर्म का बात करें तो मान लेते हैं कि वो हमारा सेट का नाम क्या है, ए है, और यहां भी कर्ली ब्रैकेट तो आएगा लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ रहेगा वो डायरेक्ट वॉवेल्स नहीं लिखा हुआ रहेगा। हम मान लेते हैं कि एक्स एक सदस्य है ए का और उसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, एक्स, इस तरीके से, एक्स इज अ वॉवेल, ये लिख दिया हमने। देखिए तो इसी से संबंधित ये नहीं है, मतलब एक्स ए का सदस्य है और वो क्या है, वॉवेल है, तो कौन सा वॉवेल है ये तो नहीं मालूम है, मतलब कोई भी हो सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देख सकते हैं आप कि वॉवेल से संबंधित, मतलब अवयव से संबंधित इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, गुण लिखा हुआ है, हिंट लिखा हुआ है। तो यही क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। अब जहां तक रहा ये विधि, कभी कभी एक्स ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी यहां से ऐसे लिखा हुआ रहेगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है।
इसको हम रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते कैसे हैं, रीड एज। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, x such that x is a vowel, ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो इसको पढ़ेंगे कि x is an element of set A such that x is a vowel, x is a vowel। तो इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन आप रेगुलर या फिर आसान भाषा में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, x such that x is a vowel, मतलब x एक प्रकार का क्या है, vowel है जो a का सदस्य है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को लिखा हुआ रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि समुच्चय निर्माण विधि है, और डायरेक्ट यदि अवयव लिखा हुआ दिखे तो आपको समझना है कि वो कौन सा रूप है, रोस्टर फॉर्म है। तो यही दो रूप है किसी भी समुच्चय को सूचित करने का। आइए अब कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और लिखने का कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं। तो आइए, हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब ये जो चार एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और आप देख के भी बता सकते हैं, देखिए ये सारा का सारा क्या है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है किसी अवयव के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको लिखना क्या है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट अवयव लिखना है और कॉमा से क्या करना है, सेपरेट करना है कर्ली ब्रैकेट में। इसको देखिए आप क्या करें कि ए एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और एक्स क्या है, लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब कि एक्स समुच्चय ए का सदस्य तो है और वो क्या है, इसमें का मैथमेटिक्स में जो यूज हुआ है उसमें का लेटर है। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, एम हुआ है, ए टी एच एस, तो यही सब को लिखना है और कॉमा से क्या करना है, सेपरेट करना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी समुच्चय में एक लेटर या एक संख्या एक ही बार लिखाता है। तो यहां पे हम नोट पे यहां पे लिख देते हैं आपको कि किसी समुच्चय में एक लेटर या संख्या, ये नंबर लिख लीजिए, संख्या एक ही बार लिखा जाएगा, एक ही बार लिखना है या लिख सकते हैं। तो अब इसका यूज कीजिए आप, ए हमारा समुच्चय का नाम है और ये सारा लेटर को लिख देना है। लेकिन ध्यान देना है कि एक लेटर एक ही बार लिखाएगा, जैसे एम एक बार लिखा गया तो दोबारा जब एम आएगा तो तब नहीं लिखाएगा। तो लिखते हैं एम, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद टी है, उसके बाद एच है, ई है, फिर एम आया। तो एम देखिए पीछे लिखा हुआ है ना, तो इसको स्किप कर देंगे। ए देखिए लिखा हुआ है, टी तो लिखा हुआ है, आई नहीं लिखा हुआ तो लिख दिया, सी नहीं लिखा हुआ इधर, एस देखिए कहीं भी नहीं है तो एस भी लिखा गया। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म किसका, मैथमेटिक्स का। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक लेटर एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो यह हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको देखिए, कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज अ डे ऑफ वीक, मतलब कि किसी सप्ताह में का क्या है, दिन का नाम है, कौन, वाई, और वाई किसका सदस्य है, बी का। तो मतलब क्या, सारे के दिन को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो बी में आ जाएगा आपका क्या क्या, एक होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे नहीं लिखेंगे, संडे ऑलरेडी क्या लिखा जा चुका है। तो यही है दिन किसी भी वीक का। तो वाई क्या था, दिन था सप्ताह का, तो हमने सारे दिन को यहाँ पे लिख दिया हुआ, और वो किसका सदस्य है, बी का। तो बी का सदस्य हमने उसको बना दिया, कर्ली ब्रैकेट में लिखा और कॉमा से क्या किया, सेपरेट किया, और इस फॉर्म को क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। यहाँ भी देखिए, एक सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बराबर क्या है, माइनस टू है। तो ये आपको क्या करना है, एक्स सी का सदस्य है और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बराबर क्या है, माइनस टू है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा।
तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ये माइनस टू जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस टू और x माइनस वन। तो जब इसको जीरो करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और जब इसको जीरो करेंगे तो x बराबर क्या होगा, वन हो गया। मतलब x का मान क्या है, वन और टू। तो x ही तो इसका सदस्य था, तो और x का मान क्या क्या आया, वन और टू, इस प्रॉपर्टी से। तो हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जो हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में भी तो समुच्चय का नाम सी है और इसका अवयव एक्स है, और x का मान क्या क्या है, दो और एक, तो एक और क्या लिख दिया, तो लिख दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्या कह रहा है कि t such that t square minus 4 equal to 0, और t क्या है, जीरो से छोटा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा t square minus 4 equal to 0, तो t square इधर जाएगा तो 4, तो t equal to हो गया प्लस माइनस 2, मतलब t का मान 2 भी होगा और माइनस 2 भी होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है कि t जो है क्या, जीरो से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, तो क्या ये जीरो से छोटा है, नहीं है, ये है, तो हाँ, तो यही हमारा हो जाएगा क्या, सदस्य किसका, d का। तो जो रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म जो हो गया वो हो गया यही, d में माइनस टू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे यदि रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। तो अब देखिए जरा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये दोनों एग्जांपल को अब सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है, और ये लिखा हुआ है किस रूप में, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सीधा अवयव आपको दिख रहा है तो रोस्टर फॉर्म ही होगा। देखिए कि अवयव को देख के आप सोचिए कि अवयव क्या है। तो अवयव को यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाया क्या, प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या है, तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां तक है, चार तक है। तो इसी से संबंधित आपको एक लैंग्वेज लिखना है, किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो आइए लिखते हैं क्या, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर को कैसे सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर को सूचित करते हैं कैसे, कैपिटल एन द्वारा, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन द्वारा, और इंटीजर को, इंटीजर को आई द्वारा या फिर जेड द्वारा, दोनों में से किसी एक के द्वारा इंटीजर को सूचित करते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को एन से और पूर्णांक संख्या को आई द्वारा या जेड द्वारा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, एक से लेके चार तक। तो हम मान लेते हैं कि एक्स हमारा एक अवयव है जो किसका सदस्य है, ए का सदस्य है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हमारा जो सेट ए है वो कुछ इस प्रकार का, ये तो आपको लिखना ही है। तो इतना लिखने से होगा क्या कि एक्स ए का सदस्य है, और है क्या, एक्स क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, ये क्या है, प्राकृत संख्या। तो x इज अ नेचुरल नंबर, तो सिर्फ नेचुरल नंबर आप लिख दीजिएगा, और इसको कोई पढ़ेगा तो वो तो पांच भी समझेगा, छह भी समझेगा, इस तरीके का ढेर सारा समझेगा, लेकिन पांच छह तो इसमें नहीं है। तो आपको यही चारों से संबंधित प्रॉपर्टी लिखना है। तो हमने लिख दिया x इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन x क्या है, छोटा है, किस से, पांच से। अगर हम कह दें कि पांच से छोटा नेचुरल नंबर लिखिए, प्राकृत संख्या लिखिए, तो आप वही तो लिखेंगे, एक दो तीन चार। तो जब इतना कंडीशन लिख देंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही चारों का क्या होगा, सूचित होगा। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा नंबर इसको देखिए जरा, इसको, इसमें क्या है कि इंटीजर दिख रहा है हमको, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, तो इंटीजर तो है लेकिन कहां से कहां तक, माइनस टू से लेके थ्री तक। तो यहां भी हम मान लेंगे कि x क्या है, p का सदस्य है, या फिर x इसमें मान लें तो इसमें y मान लेते हैं। तो हमारा y सदस्य है b का, और y क्या है, इज अ इंटीजर, 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 और y है क्या, माइनस दो के बराबर या इससे बड़ा, और तीन के बराबर या इससे छोटा। तो ऐसे लिख सकते हैं, y जो है माइनस दो के बराबर है या इससे क्या है, बड़ा है, और तीन के बराबर है
या इससे क्या है, छोटा है। तो इतना जब लिख देंगे और इसको कोई जब पढ़ेगा तो वो डायरेक्ट इतना ही समझेगा। तो इसी से संबंधित ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। तो ये लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं x is that x। तो x is a natural number, तो हमने आपको बताया कि जब x natural number है तो x natural number का सदस्य है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to n। मात्र इतना लिख देने से ये पूरा डिनोट हो गया, लेकिन x क्या है, 5 से क्या है, छोटा। तो इस तरीके से आप सूचित कर सकते हैं। सेम कहानी इसमें भी कि y belongs to I, y क्या है, इंटीजर है, y इंटीजर का सदस्य है और ये जो y है वो -2 के बराबर या इससे बड़ा और 3 के बराबर या इससे छोटा है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये इनइक्वालिटी है, ये चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन भी हमने एक वीडियो में बनाया हुआ है, पीछे का वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिए कि बड़ा छोटा बराबर, छोटा या बराबर कैसे यूज होता है, उसका क्या फंक्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1.1 को आप पूरा बना सकते हैं। इससे संबंधित सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। तो मिलेंगे आगे के वीडियो में एक्सरसाइज की प्रॉब्लम के साथ, तब तक वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।